हेलो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ऐसी घटनाओं के बारे में तो जरूर सुना होगा जिन घटनाओं को सुनने के बाद आपके होश उड़ गए हो, या फिर यूं कहें कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया हमें बाहर से जितनी अच्छी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही मिस्टीरियस है। क्योंकि आज भी ऐसी कई घटनाओं को सुनने के बाद हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश, आप देख रहे हैं डबल फैक्ट्स। आइए जानते हैं पृथ्वी पर घटी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिनके बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि ये एक नया यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करिए। मिलते हैं वीडियो के बाद। दोस्तों, आज जिस घटना से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, वो अमेरिका के एक शहर अलास्का के रहने वाले जेसन पैजेट नामक शख्स के साथ साल 2002 में घटित हुई थी। जिस घटना के बाद वह मैथमेटिक्स के जीनियस बन गए थे। जी हाँ दोस्तों, जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जेसन पैजेट, यह एक अमेरिकन शख्स थे जिन्हें मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी और ना ही उन्हें इन सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता था। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद वह मैथमेटिक्स के जीनियस बन गए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जेसन पैजेट एक दिन अपने घर से कहीं जा रहे थे, तभी उनकी हाथापाई रस्ते में कुछ रॉबर्स के साथ हुई थी। तो दोस्तों, जब रॉबर्स ने उनसे पैसे की डिमांड करी, तब उन्होंने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। इसी बीच उनकी हाथापाई रॉबर्स से हो गई, जिसमें जेसन को काफी ज्यादा चोट आई थी। और यह सब देखकर वहां के नियर बाई लोगों ने उनको नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज हुआ। और जब वहां ठीक होकर अपने घर को लौटे, तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो उन्हें दूसरा जन्म मिल गया हो। लेकिन दोस्तों, इस बार उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उनका दिमाग पहले से ज़्यादा रिफ्रेश हो गया हो, पहले से ज़्यादा काम करने लगा था। दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा था ये उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद उनकी रुचि पढ़ाई में काफ़ी हद तक बढ़ गई। जहां दोस्त, आज से कुछ समय पहले जैसन को मैथमेटिक्स की बुक की ओर देखना भी नहीं पसंद था, आज वही शख्स मैथमेटिक्स में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा था। जहां जैसन को आज से कुछ महीने पहले मैथमेटिक्स के ABCD भी नहीं पता थी, आज वही शख्स पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि मैथमेटिक्स के थ्योरम्स प्रिंसिपल आज वो चुटकियों में सॉल्व कर रहा था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था ये तो डॉक्टरों को भी नहीं पता था। लेकिन डॉक्टरों की माने तो उनका यह कहना था कि जेसन का जो सेरेब्रम, मतलब कि जो छोटा मस्तिष्क था, वो पहले से अभी काफी ज्यादा काम कर रहा है। मतलब जब उनकी रॉबर्स के साथ में हाथापाई हुई थी, इस बीच उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी और यही कारण है कि उनके सेरेब्रम में इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कि वो अब पहले से काफी अच्छे से काम कर रहा था। दोस्तों, सेरेब्रम के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो सेरेब्रम ही हमारे शरीर का वो पार्ट है जिसके चलते हम सोच पाते हैं, जिसके चलते हम पढ़ पाते हैं, जिसके चलते हम कुछ सोच पाते हैं और कुछ समझ पाते हैं। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ द बॉडी हुज कंट्रोल ऑल द इंटेंशनल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। और दोस्तों, इस एक्सीडेंट के चलते जेसन पैजेट हम सबके सामने एज अ ग्रेट मैथमेटिशियन उभर कर आए। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, इस घटना के साथ साथ उनका विल पावर भी इतना ही जिम्मेदार है जितना कि इस घटना में उनका चोट लगना जिम्मेदार है। जी हाँ दोस्तों, अगर उनमें वो विल पावर नहीं होता तो आज वह शायद इस मुकाम पर नहीं होते। मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप में भी विल पावर है तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना। क्योंकि दोस्तों, ऐसी तरीके से फैक्ट्स वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।